हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर मीरा एंड द स्ट्रीम। स्ट्रीम होती है नदी, मीरा और नदी। एवरी डे मीरा यूज्ड टू वॉक अलोंग द लिटल पाथ विच वॉज बिसाइड द स्ट्रीम ऑन हर वे टू स्कूल। एवरी डे हर रोज़ मीरा यूज्ड टू उपयोग यानी उपयोग करना, वॉक अलोंग साथ में चलना, द लिटल पाथ छोटे से रास्ते से, विच जो कि वो यानी था बिसाइड किनारे द स्ट्रीम नदी के, ऑन हर वे यानी उसके रास्ते में टू स्कूल। हर रोज़ मीरा उस छोटे से रास्ते से होकर जाती थी जो कि उसके रास्ते में, स्कूल वाले रास्ते में नदी के किनारे पड़ता था। द स्ट्रीम रिपल्ड एंड फ्लोड लाइक अ ब्लू ग्रीन ब्यूटी। द स्ट्रीम नदी रिपल्ड यानी तरंगित होती थी एंड फ्लोड और खिलती थी लाइक जैसे अ ब्लू ग्रीन ब्यूटी, एक नीली हरी सुंदरता की तरह जो नदी थी वो खिलती थी और तरंगित होती रहती थी। फुल ऑफ लाइफ विद स्पार्कलिंग क्लीन वाटर, फिश स्विमिंग एंड लीपिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स क्वेंचिंग देयर थर्स्ट एंड बाथिंग इन इट। फुल ऑफ लाइफ विद स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग होता है शाइन यानी चमकना, क्लीन वाटर यानी साफ पानी, उसमें साफ पानी जो है वो चमकता रहता था। फिश स्विमिंग यानी मछलियाँ उसमें तैरती थी एंड लीपिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स क्वेंचिंग, क्वेंचिंग होता है अपनी प्यास बुझाना, जानवर और पक्षी अपनी प्यास बुझाते थे, दे थर्स्ट यानी अपनी प्यास, एंड और बाथिंग नहाते थे इन इट इसमें, और इसमें नहाते थे। मीरा लव्ड द स्ट्रीम, मीरा लव्ड यानी प्यार करती थी द स्ट्रीम नदी से, स्ट्रीम होता है नदी, मीरा को नदी से प्यार था। ऑल अलोंग द वे यानी पूरे रास्ते में, द बर्ड्स एनिमल्स फ्लावर्स एंड ट्रीज सीम्ड टू नोट देयर हेड्स इन जॉय एंड मैरीमेंट। पूरे रास्ते में द बर्ड्स यानी पक्षी, एनिमल्स जानवर, फ्लावर्स फूल एंड ट्रीज और पौधे सीम्ड यानी दिखाई देते थे, टू नोड देयर हेड्स, देयर हेड्स यानी अपना सर, नोड होता है झुकाना, इन जॉय खुशी में एंड मैरीमेंट और उत्साह में। उस पूरे रास्ते में पक्षी जानवर फूल पेड़ सभी अपन खुशी में अपना सिर झुकाए हुए ऐसे दिखाई देते थे। देन तब वन डे द स्ट्रीम चेंज्ड, वन डे एक दिन द स्ट्रीम जो नदी है चेंज्ड बदल गई, तब एक दिन नदी बदल गई। इट वॉज आफ्टर द समर हॉलीडेज दैट मीरा वॉज गोइंग बैक टू स्कूल। इट वॉज यह था आफ्टर बाद में द समर गर्मियों की हॉलीडे छुट्टियां यानी गर्मियों की छुट्टियों के बाद में, दैट की मीरा वॉज गोइंग मीरा जा रही थी बैक वापस टू स्कूल, गर्मियों की छुट्टियों के बाद में जब मीरा वापस स्कूल जा रही थी। As she came near the stream, she gasped with shock. As यानी जैसे ही she वह came आई near पास में the stream नदी के, जैसे ही वह नदी के पास में आई she gasped वह जो है हैरान रह गई with shock यानी आश्चर्य से भर गई वह। Where is the stream? Where कहाँ पर is यानी है the stream नदी, नदी कहाँ पर है। She almost shouted. She वह almost यानी लगभग shouted चिल्लाती है, वह लगभग चिल्लाने को हो जाती है। What happened to it? What happened यानी क्या हुआ to it इसे, इसे क्या हुआ। Where are all the birds, animals and fish? She exclaimed. Where कहाँ पर are यानी है all सभी, the birds पक्षी, animals जानवर and fish मछली। सी एक्सक्लेम्ड वह पूछती है कि सभी पक्षी जानवर और मछलियाँ कहाँ गई। शी लुक्ड एट द नियर बाई ट्रीज, शी यानी वह लुक्ड देखती है एट पर द नियर बाई यानी पास के ट्रीज पेड़, वह पास के पेड़ों की तरफ देखती है। दे वर स्टिल, दे यानी वे वर थे, स्टिल यानी अभी भी वहीं पर थे, वे सभी वहीं पर थे। दे लुक्ड वेरी सैड, दे यानी वे लुक्ड दिखाई दे रहे थे, वेरी सैड बहुत उदास, वे बहुत उदास दिखाई दे रहे थे।
मीरा वॉज इन टीयर्स, मीरा वॉज यानी थी, इन में टीयर्स आंसुओं में, मीरा आंसुओं में थी यानी मीरा की आंख में आंसू आ गए। प्लीज़ टेल मी समवन व्हाट हैपन्ड टू माय स्ट्रीम, प्लीज़ कृपया टेल मी मुझे बताओ, कृपया मुझे बताओ समवन कोई, व्हाट हैपन्ड क्या हुआ टू माय स्ट्रीम यानी मेरी नदी के साथ क्या हुआ, प्लीज़ कोई मुझे बताओ। एन ओल्ड वाइज ऑल सेट ऑन आ नियर बाई ब्रांच, एन ओल्ड यानी एक बूढ़ा, वाइज बुद्धिमान, ओल उल्लू, सेट बैठा हुआ था, ऑन यानी पर, अ नियर बाई एक पास की ब्रांच यानी टहनी पर, एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू पास की एक टहनी पर बैठा हुआ था। इट स्क्रैच्ड इट्स हेड एज इट थॉट, इट स्क्रैच्ड या स्क्रैच्ड करता है इट्स हेड अपने सर को, एज जैसे कि, इट थॉट जैसे कि यह सोच रहा हो। देयर इज़ अ न्यू शुगर फैक्ट्री अबाउट 5 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, सेट द वाइज ऑल, देयर वहाँ पर, इज़ यानी है, अ न्यू एक नई, शुगर यानी चीनी की फैक्ट्री, अबाउट लगभग, 5 किलोमीटर्स यानी 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी नदी के ऊपर, पाँच लगभग 5 किलोमीटर दूर एक नई चीनी की फैक्ट्री है। सेड यानी कहा, द वाइज ओल उस बुद्धिमान उल्लू ने कहा। दे टेक द क्लीन वाटर टू रन द शुगर फैक्ट्री, दे टेक वे लेकर जाते हैं, द क्लीन यानी साफ, वाटर पानी, टू रन चलाने के लिए, द शुगर फैक्ट्री चीनी की फैक्ट्री को चलाने के लिए, वे साफ पानी को लेकर जाते हैं। एंड और लेट द डर्टी वाटर बैक इन टू द स्ट्रीम, लेट छोड़ देते हैं डर्टी वाटर यानी गंदा पानी बैक वापस इन टू में द स्ट्रीम नदी में, और वे गंदा पानी नदी में वापस छोड़ देते हैं। ओह नो सेड मीरा व्हाट शुड आई डू, ओह नो अरे नहीं, सेड यानी कहा, मीरा ने कहा अरे नहीं, व्हाट यानी क्या, शुड चाहिए, आई मुझे, डू करना मुझे क्या करना चाहिए, माई स्ट्रीम इज़ गॉन एंड दिस डर्टी वाटर ड्रेन इज़ ऑल दैट्स लेफ्ट, ओह नो सी सेड अगेन, माई स्ट्रीम मेरी नदी इज़ यानी है गॉन चली गई, मेरी नदी चली गई है, एंड और दिस यह डर्टी वाटर यानी गंदा पानी ड्रेन बह रहा है इज़ ऑल दैट्स लेफ्ट जो कि यहाँ पर बच गया है, सिर्फ गंदा पानी यहाँ बह रहा है। ओह नो अरे नहीं सी सेड उसने कहा अगेन दोबारा, उसने दोबारा से कहा। मीरा कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स दैट डे, मीरा कुड होता सकना, थिंक सोचना, ऑफ नथिंग कुछ भी नहीं, एल्स सिर्फ, दैट डे उस दिन, मीरा उस दिन कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। शी वॉज सो अपसेट अबाउट द स्ट्रीम दैट शी कुड नॉट स्टडी ऑल डे इन द स्कूल, शी वह वॉज एनी थी सो अपसेट बहुत ही उदास, अबाउट बारे में, द स्ट्रीम नदी के, दैट की, शी वह कुड नॉट नहीं सकती थी स्टडी यानी पढ़ाई करना, ऑल डे पूरा दिन, इन द स्कूल स्कूल में, वह बहुत ज़्यादा अपसेट थी उदास थी नदी को लेकर, वह इतनी उदास थी कि वह उस दिन पूरा दिन स्कूल में पढ़ाई भी नहीं कर पाई। एट लास्ट आखिर में शी वेंट टू हर एनवायरमेंटल स्टडीज़ टीचर, शी यानी वह वेंट गई, टू हर उसके एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अध्यापक के पास वह गई। शी टोल्ड हर अबाउट द स्ट्रीम, शी यानी वह टोल्ड बताया हर उसे अबाउट बारे में द स्ट्रीम नदी के, उसने अपने अध्यापक को जो है नदी के बारे में बताया। हर टीचर लिसन्ड केयरफुली एंड एक्सप्लेन टू हर दैट द फैक्ट्री वॉज नॉट फॉलोइंग द रूल्स अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, हर टीचर उसकी अध्यापक लिसन सुना केयरफुली ध्यान से, उसकी टीचर ने ध्यान से सुना, एंड और एक्सप्लेन्ड उसे समझाया टू हर उसे दैट की द फैक्ट्री जो फैक्ट्री है वॉज नॉट फॉलोइंग यानी फॉलो नहीं कर रही है द रूल्स नियमों को अबाउट प्रोटेक्टिंग यानी सुरक्षित करने के द एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को बचाने के रूल्स को जो है फैक्ट्री जो है वो फॉलो नहीं कर रही है, फैक्ट्री उन नियमों का पालन नहीं कर रही है। द टीचर गोट अ नोटिस सेंट टू ऑल द पेरेंट्स, द टीचर अध्यापक ने गोट अ नोटिस एक नोटिस सेंट यानी भिजवाया टू ऑल द पेरेंट्स सभी माता पिता के पास,
अध्यापक ने सभी पेरेंट्स माता पिता के पास एक नोटिस भिजवाया। दे ऑल हैड अ मीटिंग। दे ऑल उन सभी की हैड यानी थी अ मीटिंग, उन सभी की एक मीटिंग थी। एवरी वन एग्रीड दैट द स्ट्रीम हैड टू बी क्लीन्ड। एवरी वन हर कोई एग्रीड सहमत हो गया दैट कि द स्ट्रीम नदी हैड टू बी उसे करना होगा क्लीन यानी साफ। हर कोई सहमत हो गया कि नदी को साफ किया जाए। दे गोट टुगेदर एंड वेंट टू मीट द सुगर फैक्ट्री ओनर। दे वे गोट टुगेदर इकट्ठा हुए, वे सभी इकट्ठा हुए एंड और वेंट गए टू मीट मिलने के लिए द शुगर यानी चीनी की फैक्ट्री का जो मालिक था उससे मिलने के लिए वे सभी गए। ही वॉज अ नाइस मैन। ही वह वॉज था अ नाइस एक अच्छा मैन यानी आदमी, वह एक अच्छा आदमी था। ही अंडरस्टूड दैट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स शुड बी फॉलोड। ही अंडरस्टूड वह समझ गया दैट कि द एनवायरमेंट की पर्यावरण का कि प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के रूल्स नियम शुड यानी चाहिए बी फॉलोड यानी वह समझ गया कि पर्यावरण के को सुरक्षित रखने के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। आई प्रोमिस टू क्लीन अप द स्ट्रीम। आई प्रोमिस मैं वादा करता हूँ टू क्लीन अप साफ करने का द स्ट्रीम नदी को, मैं नदी को साफ करने का वादा करता हूँ। ही सेड उसने कहा। ईच वन डिसाइडेड टू डू देयर बिट। ईच वन यानी हर एक ने डिसाइडेड निर्णय किया टू डू करने का देयर बिट यानी थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देने का हर किसी ने निर्णय किया। द फैक्ट्री स्टॉप्ड पुटिंग द डर्टी वाटर इन टू द स्ट्रीम। द फैक्ट्री जो मिल थी स्टॉप्ड उसने रोक दिया पुटिंग डालना द डर्टी वाटर गंदा पानी इन टू मे द स्ट्रीम नदी के अंदर। फैक्ट्री ने गंदा पानी डालना बंद कर दिया। एवरी वन यूज्ड वाटर केयरफुली। एवरी वन यानी हर कोई यूज्ड उपयोग करता था वाटर पानी का केयरफुली यानी ध्यान से, हर कोई पानी को ध्यान से यूज़ करता था। एंड और बिकॉज ईच वन केप्ट द प्रोमिस। क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्योंकि ईच वन यानी हर एक ने केप्ट रखा द प्रोमिस वादा, और क्योंकि हर एक ने अपना वादा रखा इस वजह से द स्ट्रीम वॉज सून क्लीन एंड स्पार्कलिंग ब्लू। द स्ट्रीम जो नदी थी वो थी सून जल्दी ही क्लीन यानी साफ हो गई एंड और स्पार्कलिंग ब्लू यानी नीले चमकने लगी। जल्दी ही जो नदी थी वो साफ हो गई और नीली चमकने लगी। द फिश बर्ड्स एंड एनिमल्स वर बैक इन द स्ट्रीम। द फिश मछलियाँ बर्ड्स पक्षी एंड और एनिमल्स जानवर वर बैक वापस आ गए थे इन द स्ट्रीम यानी नदी में। मछलियाँ पक्षी और जानवर सभी नदी में वापस आ गए थे। द ट्रीज वर नोडिंग देयर हेड्स इन जॉय अगेन। द ट्रीज पेड़ वर यानी थे नोडिंग झुका रहे थे देयर हेड्स अपने सर इन जॉय यानी खुशी में अगेन दोबारा दोबारा से सभी पेड़ जो हैं खुशी से अपना सर झुका रहे थे। मीरा वुड वॉक अलोंग द स्ट्रीम। मीरा वुड वॉक यानी चलती है अलोंग किनारे द स्ट्रीम नदी के। मीरा फिर से नदी के किनारे चलती है एंड और थिंक ऑफ द पास्ट एज अ बैड ड्रीम। थिंक सोचती है ऑफ द पास्ट यानी एक इतिहास एक भूतकाल की तरह सोचती है एज अ बैड ड्रीम यानी बुरे सपने की तरह वह अपनी सारी पिछली बातों को सोचने लगती है कि वह एक बुरा सपना था।